हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो हमारी एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है सैंड के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे इसकी क्वेरी आ रही है सैंड के लिए कि पॉटिंग मिक्स में कौन वाली। मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें मैंने दो तरह की सैंड्स को आपको बारे में बताया था कि पॉटिंग मिक्स में कैसी सैंड आपको किस उसमें मिलानी है। तो उसमें बहुत सारी क्वेरी थी कि प्लांट वाइज मुझे बताइए कि किस तरह की सैंड किस में लाई थी। तो उसमें मैंने दो आपको बताई थी, एक ये ग्रे वाली जिसको बालू बोलते हैं और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास यही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक बदरपुर वाली जो रेड वाली सैंड होती है मोटी कंस्ट्रक्शन वाली, वो सैंड। तो लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था लोगों को कि कौन सी सैंड हमें किस प्लांट में मिलानी है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे बेस है। तो सबसे पहले हमें ये ग्रे वाली सैंड, दोनों के पहले हम टेक्सचर बताते हैं कि क्यों हमें कौन सी सैंड मिलानी। इससे शायद मुझसे जो अगर कुछ प्लांट छूट जाएंगे तो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि किस तरह की सैंड हमें मिलानी है। तो जो ये हमारी ग्रे वाली सैंड होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसमें ये होता है कि आपके ये जो मिट्टी है उसको पोरस बनाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो पूरी ड्राई नहीं हो पाती, उसमें थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी रहती है इसको, कि इसको सूखने में थोड़ा वक्त लगता है। और जो हमारी रेड वाली सैंड होती है बदरपुर वाली, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि उससे पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाता है तुरंत ही, और वो विद इन 1-2 आवर वो बिल्कुल आपकी सूख जाती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि दो सैंड हैं, दोनों में अलग अलग क्या टेंडेंसी है। तो अब आपको ये वाली जो ग्रे सैंड है, ये आपको अपने ऐसे प्लांट्स में मिलानी है जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, और जो रेड वाली सैंड है वो आपको ऐसे प्लांट्स में मिलानी है जिसमें कि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अब कैटेगरी वाइज मैं आपको कुछ प्लांट्स से दिखा देती हूँ जिनमें आपको ये ग्रे सैंड मिलानी है, और फिर मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी जिसमें कि आपको रेड वाली सैंड मिलानी है। तो ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जितने भी, इनमें हमको थोड़ी सी ये ग्रे सैंड मिलानी है, क्योंकि हमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें हमको पानी की थोड़ी नमी की ज़रूरत रहती है। ये जैसे भी आपके हिबिस्कस हैं, जितने भी आपके फ्रूटिंग फ्लावरिंग और आपके वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, ये वेजिटेबल प्लांट्स हैं ये मेरे, और क्योंकि सारे जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट्स होते हैं, ये जितने भी मैं आपको ये प्लांट्स दिखा रही हूँ, इनमें सब में आपको ग्रे वाली ही मिलानी है, क्योंकि इनमें थोड़ी नमी की ज़रूरत होती है, इनमें पूरी तरह से ड्रेन आउट नहीं होना है। ये जैसे चांदनी है, हमारा मोगरा है, हमारे हिबिस्कस की कोई भी वेराइटी है, अपराजिता है और अलमांडा है, अब आते हैं हम रेड सैंड में, कि हमें जिसमें पानी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है उसमें हमको रेड वाली जो बदरपुर वाली होती है, कंस्ट्रक्शन वाली जो होती है वो मिलानी है, जिसे मोरंग बोलते हैं मोटी बजरी की। क्यों? क्योंकि इन जितने भी कैक्टस वैरायटी के ये हमारे प्लांट होते हैं, ये जितने भी हमारे अडेनियम प्लांट्स हैं, इनमें जितने भी हमारे सैकुलेंट्स हैं या फिर हमारे जो बॉन्साई प्लांट्स होते हैं, उनमें मोस्टली किसी भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इनमें ज़्यादा पानी हो जाता है या बहुत देर मॉइस्चर बना रहता है, तो इनके जो रूट्स होते हैं ये सब गलने लग जाते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अडेनियम्स में लोगों के कॉर्टेक्स जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पानी ठहर रहा होता है। इसलिए इनकी मिट्टी में हमेशा आप देखिए, ये देखिए मोटी, ये मेरे में बदरपुर वाली है, जिसमें पानी डालते ही विद इन अ मिनट पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि इनको केवल इनकी जो रूट्स होती हैं उनको हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने कैक्टस प्लांट्स में, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी काफ़ी चे, और अभी मैं आगे की वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कटिंग्स को किन सैंड में ग्रो करना है वो भी बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊँगी तो बहुत लंदी हो जाएगा।
और ये हमारा प्लूमेरिया का है। प्लूमेरिया की जो भी वैरायटी होती है इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम लोग गुलाचीन कहते हैं, जिसको चंपा कह देते हैं, इनको पानी की, ये फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्लांट में भी आपको रेड वाली सैंड मिलानी है ताकि पानी तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए। ये प्लांट जो मैंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं, इनको देखिए मैंने अलग रख रखा हुआ है क्योंकि इनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। इनमें क्या बोलते हैं, हमें रेड वाली सैंड मिलानी है। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे हमारा एक मोगरा रखा हुआ है, हालांकि इसमें ग्रे सैंड चाहिए। बाकी जो हमारे रोज़ेस होते हैं, ये हमारे रोज़ होते हैं, इनमें भी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको हल्का मॉइस्चर चाहिए होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो रोज़ होते हैं वो ऊपर से उनमें जो डाईबैक लगना स्टार्ट हो जाता है या फिर सड़न स्टार्ट हो जाती है, उसका रीज़न ही यही होता है कि उनमें नमी बनी रहती है। नमी बनी रहने की वजह से इनमें डाईबैक की भी प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें जल्दी से कीड़े भी पकड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वायरस अटैक भी हो जाता है, फ्लाइज भी लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रोज़ होता है ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता, इसको बहुत हल्का पानी, मस्ट मॉइस्ट चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट चाहिए, उसके बाद ये उतने में अपने लिए इनफ ले लेता है। जितने भी सर्दी के हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत कम ज़रूरत होती है पानी की, तो उन, जब आप सर्दी के भी कोई भी प्लांट लगाइए जो विंटर सीजन के होते हैं, तो उनमें आप मोटी वाली जो रेड सैंड होती है वो मिक्स कीजिए, ताकि अगर इनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ भी जाता है तो तुरंत ड्रेन आउट होके और तुरंत ही वो प्लांट आपका सूख जाएगा, जिससे कि उसमें रूट रॉट का खतरा नहीं रहेगा। आई होप मैंने काफ़ी सारे आपको इतनी देर में काफ़ी वीडियोस में काफ़ी सारे प्लांट्स कवर कर लिए हुए हैं। फिर भी अगर मुझसे कोई ऐसा प्लांट छूट रहा है जो कि आपकी जानकारी में हो और आपको ऐसा उसके बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास जितने प्लांट्स हैं मैं उनमें ही आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, और प्रेजेंट टाइम में मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं आ रहा है कि और मैं क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो यही बस मेरा आज का वीडियो था, क्योंकि बहुत रिक्वेस्टेड था। इस समय सीज़न आ चुका है बारिश का, लोगों ने प्लांट लगाने स्टार्ट किए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से, तो आप भी लगाते रहिए और आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको भी पूछ लीजिएगा, और गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।